वेलकम बैक टू पी सी एस सक्सेस विल मिग 21 ऑफ लाइन कॉफिन। अभी मिग 21 को हम क्या नाम दे चुके हैं, काफ़ी सालों से इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, एक उड़ता ताबूत कहा जाता है। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ये न्यूज़ थी, मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स क्रैश नियर बाड़मेर इन राजस्थान। और इस क्रैश में, ये इनिशियल न्यूज़ है इसकी ट्विटर की, और इसी क्रैश में 2 पायलट्स की जान भी जा चुकी है, एम राणा एंड अद्वितीय बाल। ये 2 पायलट्स की इसमें जान जा चुकी है। सो जानते हैं हम मिग 21 के बारे में, क्यों इसे कहा जाता है अ फ्लाइंग कॉफिन, और क्यों, क्या इंडिया के पास दूसरा अल्टरनेटिव है या नहीं है, क्या मजबूरी है इंडियन एयरफोर्स की कि हम अभी भी मिग 21 पे डिपेंडेंट है, और इसे रिटायर करने में और एडिशनल अभी से 3 साल का समय क्यों लिया जा रहा है। सो देखते हैं डिटेल में इस वीडियो में। सो मिग 21 बाइसन एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स क्रैश्ड इन बाड़मेर राजस्थान ऑन थर्सडे नाइट, किलिंग द 2 पायलट्स अबाउट द ट्रेनर वर्जन ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट। सो जो एयरक्राफ्ट क्रैश की वो ट्रेनर वर्जन थी फाइटर एयरक्राफ्ट की, और बाड़मेर राजस्थान, ये रहा बाड़मेर का मैप राजस्थान में, यहाँ पर ये क्रैश हुआ है। और ये क्रैश इतना बुरा था, इतनी बुरी तरह से ये क्रैश किया कि दोनों पायलट्स की उसमें वहीं पर मौके पे ही जान चली गई। इसके एग्जैक्ट क्या रीज़न थे, जनरली ह्यूमन एरर के वजह से कभी कभी टेक्निकल डिफेक्ट जो होता है फ्लाइट में उसके वजह से क्रैशेज हो जाते हैं, तो कभी बर्ड हीट के वजह से हो जाता है। अभी इसका क्या वजह था इस क्रैश का, ये अभी तक पता नहीं चला है, इसकी न्यूज़ अभी अवेटेड है। सो मिग 21 इसको हम पूरी तरह से जानते हैं। सो मिग 21, इसका पूरा नाम है मिकोयन गुरेविच मिग 21, अ सुपरसोनिक जेट फाइटर एंड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन बाय द मिकोयन गुरेविच डिज़ाइन ब्यूरो इन द सोवियत यूनियन। सो सोवियत यूनियन रसिया का ये है मिग 21 डिज़ाइन किया हुआ, मिकोयन गुरेविच डिज़ाइन ब्यूरो का, और यह एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट और सुपरसोनिक जेट फाइटर है। सो व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ फ्लाइंग कॉफिन, इसे क्यों हम फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं। आप सबने रंग दे बसंती मूवी जरूर देखी होगी, 2006 में आई थी ये मूवी रंग दे बसंती। सो रंग दे बसंती की बसंती मूवी जो है वो भी बेस्ट है इसी मिग 21 के क्रैश के ऊपर। सो उस मूवी में वहीदा रहमान और आर माधवन, ये जो 2 किरदार थे वो थे इसी इंसिडेंट से रिलेटेड। सो इन सितंबर 2001 अ मिग 21 बेस क्रैश इन सूरतगढ़ क्लेम द लाइफ ऑफ फाइटर लेफ्टिनेंट अभिजीत गाडगिल सून आफ्टर टेक ऑफ। देर वॉज अ कॉन्ट्रोवर्सी वेन द पायलट्स मदर कविता गाडगिल रेज द इशू ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट्स इन द एयरक्राफ्ट एंड सेड दैट हर सन वॉज बींग रॉन्गली ब्लेम्ड फॉर द क्रैश। द स्ट्रगल ऑफ कविता गाडगिल टू हाईलाइट सेफ्टी इशू विद द मिग 21 एयरक्राफ्ट लेड टू द इंक्लूजन ऑफ हर स्टोरी इन द हिंदी मूवी रंग दे बसंती विच वॉज रिलीज इन 2006। सो कविता गाडगिल जो थी उन्होंने प्रॉम्प्टली जो इसके टेक्निकल डिफेक्ट थे एयरक्राफ्ट के उससे सबके सामने इसकी इशू जो थी वो रेज की, और उन्होंने अपने बेटे को डिफेंड किया कि ही वॉज रॉन्गली ब्लेम्ड फॉर द क्रैश। सो जो प्लेन क्रैश हो रहा है उसकी वजह पायलट्स नहीं, उसमें जो टेक्निकल डिफेक्ट है इस प्लेन में, इस फाइटर एयरक्राफ्ट में, वो है। और इसी उनके इसी स्ट्रगल को इस फिल्म में लिया गया रंग दे बसंती में। सो आगे देखते हैं क्यों हम इसे फ्लाइंग कॉफिन ना कहें। सो अभी तक इंडिया ने लगभग एग्जैक्टली 872 मिग 21 खरीदा है, और उसमें से 400 क्रैश कर गए, मतलब इसकी सक्सेस रेट अगर हम मान कर चलें तो 50% ही है, और 50% ये क्रैश कर जा रही है। और इस क्रैश में इंडिया ने अपने 200 पायलट्स को गंवाए हैं और 50 सिविलियंस की भी जान गई है। और ये 1971-72 से लेकर अभी तक 400 क्रैशेस हो चुके हैं, जिसमें रिसेंट क्रैश में हम देखें तो लास्ट 20 मंथ्स में इंडिया के 5 मिग 21 क्रैश किए हैं 2021 में, और एक अभी जो क्रैश हुआ 2022 में, और इसमें 5 पायलट्स की जान जा चुकी है। सो द हाई रेट ऑफ एक्सीडेंट अर्न द एयरक्राफ्ट द निक नेम ऑफ फ्लाइंग कॉफिन, इसलिए हम इसे उड़ता ताबूत कहते हैं। सो अभी कितना मिग 21 है इंडिया के पास, तो अभी इंडिया के पास टोटल 4 स्क्वाड्रन्स हैं मिग 21 के, और हर एक स्क्वाड्रन में 16 से 18 एयरक्राफ्ट हैं, 16 से 18, जिसमें 2 ट्रेनर वर्जन होते हैं। और अब सितंबर 30 को श्रीनगर बेस जो नंबर 51 स्क्वाड्रन है उसे रिटायर कर दिया जाएगा 30 सितंबर तक, और बाकी जो 3 बचेंगे स्क्वाड्रन उन्हें हर साल एक एक करके रिटायर करते हुए 2025 में फाइनली मिग 21 को रिटायर कर दिया जाएगा। सो कुछ और हम देख लेते हैं मिग 21 के बारे में न्यूज़। सो इट वॉज अ मिग 21 बाइसन फ्लोन बाय विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान विच हैड रिपोर्टेडली शॉट डाउन अ F-16 एयरक्राफ्ट वास्टली सुपीरियर एयरक्राफ्ट ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स ऑन February 27, 2019। हालांकि बाद में F-16 से पाकिस्तानी आर्मी ने मिग 21 को भी गिरा दिया था, और उसी में
अभिनंदन वर्तमान का जो MiG-21 वो उड़ा रहे थे वो क्रैश कर गया था, बट उसमें उनकी जान बच गई थी। एंड नेक्स्ट है, द बिसन वर्जन ऑफ द MiG-21 हैज़ ऑल्सो सीन द इंडक्शन ऑफ वुमेन फाइटर पायलट्स इन द इंडियन एयरफोर्स विथ फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी बिकमिंग द फर्स्ट पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू कम्प्लीट अ सोलो फ्लाइट ऑन द एयरक्राफ्ट इन June 2016। सो जो पहली इंडिया के वुमेन फाइटर पायलट हैं उन्होंने भी MiG-21 ही उड़ाया था। सो ये तो थी कुछ MiG-21 की अचीवमेंट, जैसे कि उसने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को भी गिरा दिया था। सो इसमें पायलट की भी अच्छी कंट्रीब्यूशन रही है, साथ साथ एयरक्राफ्ट की भी। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से अभिनंदन वर्तमान ने करीजियस अपना एक्ट दिखाकर F-16 को MiG-21 उड़ाते हुए गिरा दिया था, लेकिन बाद में ये MiG-21 भी क्रैश कर गया था। सो क्यों इतने फ्लॉज के बावजूद भी MiG-21 को इंडियन एयरफोर्स अभी भी कम्प्लीटली रिटायर नहीं कर रही है? अगर आज वो इतना बुरा दुखद हादसा हुआ है तो आज के आज डिसीजन क्यों नहीं ले रही है कि हम कम्प्लीटली इससे हटा देंगे? सो हमारे पास जो अभी जो रिक्वायरमेंट है इंडियन आर्मी की, जो कंटिन्यूस हम थ्रेट पोज करते हैं चाइना और पाकिस्तान से, तो उसके लिए इंडियन एयरफोर्स की भूमिका बहुत अहम रहेगी हमारी सुरक्षा के लिए। और इंडियन एयरफोर्स को उसकी अपनी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और अभी हमारे पास जो ज़रूरत है उस हिसाब से 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए एयरक्राफ्ट के, बट हमारे पास हैं 32 स्क्वाड्रन ही अभी हमारे पास हैं। और जब MiG-21 के 4 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद 28 ही हमारे पास बचेंगे एक्टिव स्क्वाड्रन्स। सो लगभग 14 स्क्वाड्रन्स की हमारे पास कमी हो जाएगी। उसके बाद अभी हम वेट कर रहे हैं तेजस का, LCA तेजस का। सो द MiG-21 वेयर सपोज टू बी रिटायर्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, बट डिले इन इंडक्शन ऑफ द LCA तेजस एयरक्राफ्ट हैव फोर्स्ड द इंडियन एयरफोर्स टू कंटिन्यू फ्लाइंग दीज प्लेन्स। सो जितना डिले हो रहा है तेजस LCA तेजस को इंडक्ट करने में, उतना ही लेट हो रहा है MiG-21 को रिटायर करने में। सो हमारे पास जो LCA को ऐसे भी इंडियन आर्मी एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ MiG-21 नहीं देखती, इसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स की तरह देखती है LCA को। और तेजस का पहला डिलीवरी इंडिया को मिलेगा 2024 में, और उसके बाद 6 साल में कंप्लीट जो 143 तेजस की जो ऑर्डर है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वो डिलीवर हो पाएगा 2030 तक वो ऑर्डर फाइनली डिलीवर होगा। सो अभी से वो काफ़ी लंबा टाइम है और इंडियन आर्मी एक गैप लेकर तब तक नहीं बैठ सकता है, क्योंकि हमें हमारी प्रायोरिटी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए हमें जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है, भले वो MiG-21 ही क्यों ना हो, हमें उस पर डिपेंडेंट अभी रहना पड़ेगा। सो MiG-21 तो काफ़ी नेशंस ने पहले ही यूज़ करना बंद कर दिया था, बट इंडिया उसे अपग्रेड करके लास्ट 2008 में अपग्रेड की गई थी MiG-21 को, और हम उसके अपग्रेडेड वर्जन को अभी भी यूज़ करते जा रहे हैं। सो Sukhoi-30 भी एक अल्टरनेटिव है इंडियन आर्मी के पास, प्लस 36 रफाले जो हमने फ्रांस से लिया है, सुखोई भी हमने रसिया से लिया है। सो रफाले ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास यूज़ करने के लिए, 36 रफाल हमने लिया है फ्रांस से। सो ऑल टुगेदर ये कुछ ऑप्शंस हैं, बट इन्हें इंडियन आर्मी में शामिल करने में अभी समय लग रहा है। इस वजह से इंडियन आर्मी कम्प्लीटली एक झटके में MiG-21 को नहीं हटा सकती, क्योंकि हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। बट ये वेरी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास ये ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसकी सक्सेस रेट अभी हम देखें तो सिर्फ 50% है, और हमारे काफ़ी पायलट्स की जान जा चुकी है इसमें। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए PCA सक्सेसफुल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।